खुशियों का आलम तो बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही रहेगा। बस दर्द यकीन रखो, वचनों पे अमल करो। मां अगर बच्चे का दर्द जानती है तो गुरु मुर्शिद कामिल दर्द ना जाने, ऐसा हो नहीं सकता। उसको सब मालूम है, उसे सब पता है। बस दीनता नम्रता धारण करो। कोई रहमो करम बल ज्यादा मिले तो और दीन हो जाओ। ये मत सोचो कि मैं कुछ और बन गया। एक कहावत है, ऐसी वो नहीं रह गए जी, ऐसी कुछ और बन गए जी। वो बड़ा काम ना किया करो कि आप दीनता नम्रता धारण कीजिए। अगर आपको नजदीकी मिली, अगर आपको दर्श दीदार हुए तो और दीन नम्रता धारण करोगे तो मालिक और दर्श दीदार से लवरेज करेंगे, माला माल करेंगे। तो इसलिए हमेशा दिलो दिमाग में यह बात रखिए कि हां, दीनता नम्रता का पल्ला नहीं छोड़ना। गलत बात करने की सोचना क्या, आने मत दो दिमाग में, तो मालिक की खुशियों के हकदार बनते हो। और इंसान में ऐसा कुछ नहीं होता इस कलयुग में कि वो भगवान को राम को पाले। हां, राम कृपा करते हैं, आप दीनता नम्रता धारण कर लें तो वो आपको मिल सकता है। उसकी दया में रहमत, उसके दर्श दीदार के लायक आप बन सकते हैं। पर उसके लिए अपने अंदर से अहंकार को मिटाना है, अंदर से बुराइयों को खत्म करना है। किसी का बुरा करना तो दूर सोचा भी मत करो। यही है रूहानियत का सीखने का तरीका, रूहानियत पे चलने का तरीका। दुनिया क्या कहती है उसकी परवाह ना करो, लेकिन आप अपनी तरफ से नेक भले हमेशा बन के रहो, दीनता नम्रता धारण करके रहो। तो जो इस रास्ते पे चलते हैं वही सदगुरु के प्यारे होते हैं। अगर आप उसकी बेइंतहा खुशियां हासिल करना चाहते हो तो अपने अहंकार को त्याग दो, दीनता नम्रता धारण कर लो, ताकि उसकी दया में रहमत के लायक आप बन सको। सो प्यारी सत्संग जियो, बेपरवाह जी का अवतार महीना फिर से मुबारक हो आप सबको। और आप कल्पना नहीं, हकीकत में वचन माने, वचनों पे अमल करें, ताकि वो तमाम खुशियां जिसके आप हकदार हैं वो आपको मिलें, और वो तमाम खुशियां जिसके हकदार नहीं है सेवा सुमरण करने से आपको जल्दी हासिल हो। ये मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करते हैं और आप सबको आशीर्वाद कहते हैं।